सबसे पहले तो मैं शाकिर को 23 साल से जानता हूँ. शाकिर इज गेटिंग डेजिग्नेटेड टू अ वेरी अमेजिंग पोस्ट इन फैशन टीवी. तो मैं उसके खुशी में शामिल होने आया हूँ, हम उसके खुशी में शामिल होने आए हैं. और बहुत दिनों के बाद मैं अपने करीबी दोस्तों से मिलने वाला हूँ. मैं पवित्रा को कह रहा था कि आज मुझे आना है, क्योंकि मुझे जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ उनसे ही मिलना है. तो आई थिंक वी विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, नॉट मच, क्योंकि हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं और मैं आजकल सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करता हूँ. तो I know Shakir through Ijaz, of course, so all the very best to him and heartiest congratulations because he, the designation that he has got, so really happy for him. एक मिनट, वो पंखा इधर घुमा ना, थोड़ा आगे ले गया, वायर भी है, परफेक्ट, गिर गया, पकड़ के रख. करेक्ट, थैंक यू. मॉडलिंग की है, बहुत कुछ याद आता है. मैं अभी अभी एक एड फिल्म के लिए बात कर रहा था गाड़ी में और मुझे उसके 1/4 पैसे मिले जो मुझे तब मिलते थे. तब बहुत अच्छे पैसे मिलते थे. तब मैं सबसे मेरी पहली एड थी क्लोरमेंट की, 5 एड्स का कैंपेन था वो. तो यार याद आती है, लेकिन तब बहुत कम लोग थे, कॉम्पिटिशन भी बहुत कम था, हमने बहुत खाया था. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पवित्रा जी ने भी मॉडलिंग से अपना काम शुरू किया था और वो रैंप मॉडल थी. वो इस वक्त पंखे को देख रही हैं, लेकिन हाँ. अच्छा मत कर यार, मत कर. क्यों इनके बाल उड़ा रहा है, घुमा दे उसको वापस. मॉडलिंग ओनली, बहुत दिल्ली में बहुत मॉडलिंग करती थी विद ऑल द बिग बिग डिजाइनर्स. आई वाज ब्लेस्ड. तो हाँ, अच्छी एक्साइटिंग डेज थे. ये नहीं पता था कि फिर आई एंड अप विद दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ एफटीवी इवेंट. तो यस, मजा आता था मॉडलिंग करने में, रैप बॉक्स में. भाई मैं तो जनरली जो भी कंफर्टेबल हो वो पहन लेता हूँ. इस इवेंट के लिए स्पेसिफिकली आदित्य, मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, आदित्य सचदेव, उनसे मैंने ये कपड़े मंगाए. तो बस. और बाकी आई थिंक मैम शी हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ हरसेल्फ, शी विल एलैबोरेट. Yeah, always just stand out in the crowd. This is what I believe in. If some, you know that a crowd is following a specific dress code, always just transform yourself in a different style, you know. Show the people what you haven't wear till now. Show the people what they love about where you wearing. So this is what I always follow. Be unique. You want to join us? Please come. Thank you. Thank you for getting me and allowing me. Sorry, ma'am. Yes. Please, 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 ma'am. No, please. So, we wanted like someone who could act and be a great synonymous with fashion, yeah, and being popular. It's about being once popular. There's a lot of other people who are very popular, but carrying their popularity with a fashion pandering. We have a fashion power couple with us, and welcome aboard. Welcome so here to Fashion TV. Thank you. Yeah, and who could say that they are not fashionable? जैसे कि आपने कहा, मैंने अपने डेज मॉडलिंग के डेज स्टार्ट किए थे. आज किस किस को एक्सपेक्ट करनी है पुराने अपने दोस्तों को अंदर मिलने के लिए? सी इट वाज अ वे बैक थिंग. या आई डोंट नो कि अभी ये बचपन में मॉडलिंग होती है. या एक्चुअली आई वाज इन बचपन. So I am really not expecting anyone, but I'm expecting everyone, because I almost forgot a few of the people who I used to do the ramp with. So let's see, kon kon aake aaj surprisingly hi bolega. Hi.
सुनना, अभी इसके बारे में बात करते हैं, काम के बारे में आराम से बात करते हैं. लेट्स जस्ट राउंड इट अप. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर. हम बचपन में फैशन टीवी देखते थे. अलाउड नहीं था कभी कभी. आई वाज अ बिग फैन देन एंड आई एम अ बिग फैन नाउ. या एंड आई एम अ बिग फैन नाउ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द इवेंट. वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड वेलकम वेलकम. थैंक यू. मेबी Actually, we've just entered. We want to know what exactly is happening here, but all we're expecting is lots of party, lots of dhamal, lots of masti inside. See? Yeah. My fashion statement is most of comfort. It's all about comfort. If it's comfortable, you have to. We as models and actors are supposed to make things look good. That's our job. So, जो दे दो पहन लेते हैं यार और क्या. Yeah, same comfort. आप देख ही सकते हैं. मैं सिर्फ कंफर्टेबल हूं. दैट्स नॉट कंफर्टेबल. दैट्स नॉट जस्ट कंफर्टेबल. द मोस्ट कंफर्टेबल आई कुड सी इन माय वार्डरोब. बस वो पहन के आ गई हूं. ओके, इट्स बीन लॉन्ग टाइम एंड यू नो योर फैंस आर वेटिंग फॉर यू. सो लाइक एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? यार प्लीज दुनिया खोल दो, सारी रिलीजेस रुकी हुई है. थिएटर्स एक बार खुलेंगे. आप फिल्म इज अबाउट टू रिलीज, सो वी आर वेटिंग फॉर अ फिल्म रिलीज टू हैपन. वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूवी टू गो ऑन फ्लोर. सो या, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. एंड अदरवाइज या, production wise, yes, lots of things happening, so hopefully things will move very soon. So film, I think sare fans ko pata hi hai, it's a romantic comedy jisme avika bhi hai, main bhi hu, and Prateek Gandhi is there. Three of us are there, and it's a Varanasi based film, and it's a fabulous film. We can talk more about it when the promotions start. नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो एक स्टेटमेंट है इसका फेवरेट, हमसे ना हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई थिंक एवरी ईयर वी कॉन्टेम्पलेट कि हाँ ना, लेकिन इस लाइक उसकी डेयरिंग नहीं हो पाती है. तो आई हैव हर्ड राकेश इज गोना गो बैक अगेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राकेश माइट गो बैक अगेन, एंड देन आई थिंक करण इज गोइंग. करण कुंद्रा, देखो सारी खबरें यहाँ पे है यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, और आगे नाम बताओ. Who else is going? So yeah, that's about it. Yeah, yeah. Thank you so much. आज की शाम बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि एक तो हम लोग पैंडेमिक के बाद आज मिले हैं सारे फ्रेंड्स, सो मिलके सबसे बहुत अच्छा लगा. और फैशन, आई हैव बीन लिविंग फॉर 20 इयर्स, सो फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग नाइट. And I am looking forward to see many fashion faces tonight. Okay, fashion ki agar baat ki jaye is tarike se, hum sabhi aapko dikhaye kaafi aap bhi fashion ko follow karte hain, personally kya aapka style is favorite? Fashion ka matlab mera hai ki jo leader hota hai wo fashion follow karta hai. It sets the trends. So mera fashion hai comfort, looking comfortable, and being sporty at the same time, being stylish, and something which is in trend but shows your personality. So अभी मैंने अभी बेबी डिलीवर किया है, तो शी इज़ नॉट इवन वन, सो आई विल नॉट बी वॉकिंग फॉर एंटायर फैशन वीक, बट आई विल बी डूइंग कपल ऑफ शोज, सो यू विल सी मी इन सम शोज, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर आई विल बी बैक. थैंक यू. You expect me to answer in Hindi? I forgot it on my Hindi. No, so it's really good. I'm really excited, and I'm looking forward to being associated with FTV. We've had a long relationship. You know, we've been shot for so many years on the runway. We've done a lot of. They've done features on us as well, very elaborate features on us. And so yeah, it's really nice to be here. The office space looks amazing. I'd love to come to office. My office look like this every day. So yeah, that's exciting. Okay.
talking about Big Boss season 15. Sahil Shroff is going to be the participant in the show. In the confirmed. Who is Sahil Shroff? I don't know who Sahil Shroff is. Who is he? Oh, the model Sahil Shroff, yeah. Is he? Yeah. Oh, is it? Good luck. I wish him luck. I think he'll do well. He's a fun fun guy. I didn't realize that he was... So, how can he perform inside? I mean, well, he'll have to speak Hindi. So, that's, you know, I think that might be a little challenging for him. But I think he'll do well. He's a fun guy, you know, so... I don't know, you know, it depends, and honestly, it's very difficult to say who does well, who, you know, the audience is like. It's a very personal thing, you know. Someone may find you amazing, and they may find you cute, and they may find you entertaining, and then on the other hand, they may find you irritating, you know, and so there'll always be haters, and there'll always be people who like you, but in terms of an enduring quality, I don't know. It's very difficult to say. It changes from time to time, I believe. And also the thing is, with the show heavily edited, you know, you don't know what's being shown or how much is being shown outside of what you're actually living on a day-to-day basis. So what happens is they don't show all of it. So the audience is seeing. You know, honestly, a very small bit of what actually happens or how much you actually do. So, and they rarely show the nicer stuff, you know, the things that when you're being nice to someone or being kind to someone or being friendly with someone. So if they show a track where you're fighting with someone, then they catch that track and they run that the whole season. So it's very difficult. It's so heavily edited. So, you know, the audience is seeing, they're judging you on something so small. So in terms of liking and not liking and being endearing, it's like, it's difficult, you know? Like, you'll have different age groups also that will really enjoy you, and then certain age groups that just won't, so it's difficult. You know, I actually did. I did. I went back, I think, on season 10 as a guest on stage on one of the weekends. But other than that, no. I mean, like, going back and forth in the house, I think there's only few contestants who've just gone back and forth all the time. It's not the format of the show, and honestly, I don't find that interesting to have someone like Vikas. He's very sweet and all of that, but he's like there almost in every season now, and so it can be a bit boring as well after a point, because you want to see new people, right, in every season. So I'm not sure about that bit, and honestly, I mean, you know, it's not like, it's not something that you find for a lot of people. Also, are so stuck up with the, you know, they're like, they stay friends with the whole crew and the thing, and a lot of people want to constantly be going back. So there's that pressure. If I'm asked, who knows? But I don't find the thing interesting, the format interesting. I think it should just be new people every time, and you know. The audience should see new people. Thank you. Yeah, I'm just happy because I've recently 15 days ke Kashmir schedule ke baad aa rahi hu. So I think Mumbai aake, this is my first event. So I'm very happy. Finally, apne logo se milke, like to be in like around your people. I'm very happy to be a part of this event and that too. Fashion TV, so yes. See, definitely, I love fashion, and for me, main har cheez mein fashion dhoondi leti hu. And I think fashion, according to me, is something that talks about akanksha. Matlab mujhe dekhte hi wo fashion, it should be my statement, it should be just about me. Fashion for me is about like being me, being real, and that's why I always try, and mujhe experiment karne mein maza aata hai. And I feel I am somebody who can try anything, and I can carry anything with confidence. Right, Big Boss season 15 aa raha hai. Kaun hai aapke dost? Kisko support karne wali? Kya kehna chahenge?
I think I am really happy that because when you OTT follow Kia and I'm like one of my favorite has like won the trophy Divya and apart from her I like Nishant and Prateek so mujhe unka game bahut acha laga tha and I'm looking forward ki aur kaun naye log hain definitely this is Salman Khan and obviously the double tadka tha is bar Karan and then Salman so I'm quite excited I'm looking forward for the first episode sorry main inka's question pehle suna Rajneesh ke sath jo meri web series aayi hai main usi ke liye shoot karke aayi hu Kashmir so it's about real people real stories se inspired hai wo story so I think it's about logon ko main shayad as Kashmiri girl bahut zyada pasand aayi after my song so here I am playing a Kashmiri girl. Besides that, also there are so many other projects which are... Yes, yes. मेरा रणदीप हुड्डा वाला जो शो था जो पहली मैंने वेब सीरीज साइन की थी वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक रेडी सो नाउ और आई हैव शूटिंग फॉर फोर अदर सीरीज सो मुझे बहुत मजा आ रहा है आई थिंक आई एम रियली एंजॉइंग ओटीटी यस थैंक यू सो मच करियर की शुरुआत की थी एंड सिंस देन वी बीन लाइक ऑफ एंड ऑन इन टच विद ईच अदर एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर पीपल अराउंड मी हु डू गुड एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी फॉर पीपल हु आर अराउंड हिम डूइंग गुड सो इट्स अ गुड सेलिब्रेशन फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ फैशन टीवी एंड दैट इज वॉट वी आर हियर टू सेलिब्रेट फॉर एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड सी द ऑफिस एंड इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स लुक्स रियली नाइस द इंटीरियर्स द डिजाइनिंग हैज बीन दे हैव डन अ फैब जॉब सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम आई कंग्रेचुलेट देम एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट नहीं एक्चुअली शाकिर इज वन ऑफ द पीपल हु आई लाइक आई सेड कि ये मेरा पहला फैशन शो था 2014 समथिंग सेवन ईयर्स बैक व्हेन आई स्टार्टेड एंड ही हैड डन माय फर्स्ट फैशन शो एंड दैट्स हाउ वी नो ईच अदर बट यस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स फॉर सेवन ईयर्स ही नोज ईच एंड एवरी वन आउट देयर फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री एंड आई बिलोंग टू एक्टिंग फील्ड So I have a different stream altogether. मैं किस तरीके का वट एवर कम्स टू मी एंड मेक्स मी फील नाइस एंड आई वुड से डिजायरेबल एंड कम्फर्टेबल दैट इज समथिंग आई वेयर एज यू कैन सी आई एम मोर कम्फर्टेबल इन दिस वट एवर आई कैन वेब शो का मैं इतना ही बोल सकता हूँ इट्स फॉर अ नोन प्लेटफॉर्म एंड आई बीन टोल्ड नॉट टू स्पीक अबाउट इट बट द शूट इज हैपनिंग इन गोवा एंड आई बी बिजी शूटिंग फॉर लाइक गुड 40 डेज एंड इट्स अ वेरी गुड शो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट सो या जी जी एक्चुअली आई हैव फोर सॉन्ग्स लाइंड अप आफ्टर दिस एंड तो ऑल आर रोमांटिक हार्ट ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग सो आई एम एक्साइटेड लेट्स सी आई मीन थ्री सॉन्ग्स आउट ऑफ विच आर वेरी नाइस And one song is a heartbreak song, so let's see. But hopefully you guys will be able to enjoy it, and I hope you watched my previous song also and I've liked it. Thank you so much. बहुत heartbreaking था, बहुत रोया, and I'm sure you guys will enjoy the feel if you have been through it, if ever you have gone through a breakup or something of that sort. But I'm sure. You guys will love the song. The songs are beautiful and the lyrics are outstanding. So I kind of got connected. So I thought even you guys will get connected. उसके बारे में I just wish them all the very best. That's it. Thank you. Thank you.